हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी इन माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये जो वीडियो है वो शायद आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ पसंद या कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि आपको ये हेल्पफुल वीडियो देना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाई की बात आ रही है तो ये चीज़ भी कंपलसरी होती है। तो अभी जैसे हम यही बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर जब पढ़ाई करते हैं तब नींद आ रही है, तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि नींद क्यों आती है, ठीक है ना। मतलब सिंपल है, ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा लेक्चर नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर आपको उसके बारे में बताना हूँ कि देखो नींद आने का सिंपल रीज़न है कि आप पहले तो जो रूटीन कर रहे थे उसके हटके कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो जब कोई चीज़ में एक्टिविटीज़ नहीं होती है, माइंड अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो फिर वो डल हो जाता है और स्वाभाविक है कि नींद आएगी या फिर दूसरा काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सिंपली अगर बात करें तो अब एग्जाम का टाइम है और एग्जाम का टाइम है तो इसलिए आपको पूरा फोकस एक ही जगह होना चाहिए, और उसमें अगर आपकी नींद बाधा कर रही है तो बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा, या हम ये बात करेंगे कि कुछ टिप्स जो आपको पढ़ाई के दौरान अपनाने हैं ताकि जो नींद है वो कम से कम आ सके और बेहतर हो सके। तो सबसे पहले मैं ये भी जो भी आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसको सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे तो कंटिन्यू रखना है। क्या करना है? कंटिन्यू रखेंगे तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अब आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस दरमियान आप मान लीजिए आज से पढ़ाई करें या कल से जब भी पढ़ाई करना शुरू करें तो ध्यान रखें जितनी भी आपकी जो थकान वाली एक्टिविटी होती है ना, फिजिकल यानी शारीरिक श्रम, हम पहला क्या कहेंगे, जो भी शारीरिक श्रम होता है, ठीक है ना, शारीरिक श्रम, या मान लीजिए जो फिजिकल आपकी जो एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो बिल्कुल क्या कर दीजिए, स्टॉप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्टॉप कर लीजिए। क्योंकि अगर आप दौड़ने भागने कूदने का काम करेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, जब एनर्जी खर्च होगी तो थकान आएगी, जब थकान आएगी तो आपको रिलैक्स मूड चाहिए, और रिलैक्स जैसे ही पढ़ते हैं तो वो रिलैक्स मूड में आ जाते हैं और फिर नींद आ जाती है। तो सबसे पहले सब काम वो छोड़ दीजिए जब आपके एग्जाम है, जिसमें दौड़ना करना भागना खेलना सब कुछ, तो कहेंगे अगर ऐसा करना ही है तो आप थोड़ा व्यायाम या एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो भी कब करना मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो है आप कि अपनी फिजिकल जो जितनी भी एक्टिविटी है जिसमें एनर्जी जा रही है एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पर ले आ जाइए, बिल्कुल मत करिए वो, ठीक है, जब तक एग्जाम चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर हम बात करें कि जब आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ते के दौरान आपको खाना भी थोड़ा लाइट लेना, हल्का सा खाना लेना है जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि भरपेट दम धम के अब बस है भाई डकार आ गई अब खाना खाते मतलब वो पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से जब करेंगे तो पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि माइंड को पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव करना है तो उसके लिए पूरा सिस्टम एक लेवल में होना चाहिए। तो थोड़ा फूड है ना वो लाइट लें। नेक्स्ट थर्ड हम बात करें कि और क्या करें आप, तो सबसे जरूरी है कि जब आप पढ़ें और जब आपको नींद आ रही है, ठीक है, तो उस दौरान आप क्या करें, वॉकअप करें, ठीक है ना। वॉकअप यानी कहते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा चहल पहल यानी थोड़ा भ्रमण, यानी हम कहते हैं घूम लीजिए। क्या कर लीजिए? घूम लीजिए। 2-3 मिनट हैं जैसे आप पढ़ते हैं और जब भी आने लग जाती है तो खड़े हो जाइए और थोड़ा वॉक कीजिए, और इसमें भी अगर आप चाहें तो घूमते घूमते भी पढ़ाई कीजिए। वॉकअप विथ स्टडी यानी आप किताब लेकर ऐसी कोई जगह है जहां आप आराम से घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वहां घूमे। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें आटर पटर भी इसमें पड़ी है और फिर घूमते तो आप पढ़ने के चक्कर में गिर जाएंगे, लग जाएगी और कहा था सर ने, नहीं, आपको सही एनवायरमेंट जगह है तो वहां पर जब नींद आ रहे हैं तो खड़े हो जाइए और घूमते घूमते थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, और जब आपको लगे कि नींद थोड़ी जा रही है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये जो प्रैक्टिकल है तो इसका रिजल्ट भी आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि इस दरमियान भी अगर आपको नींद आ ही रही है फिर क्या करें, तो फिर आप ये कर लीजिए कि अगर मान लीजिए नींद आ ही रही है कि अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको बताना कि थोड़ी सी 5 मिनट झपकी ले लीजिए। झपकी करने का मतलब टाइमर लगा दीजिए या किसी को फैमिली मेंबर या किसी को कहना है कि मुझे उठा देना है, मुझे नींद आया फिर भी मुझे उठा देना है, मेरे मुंह पे पानी लगाना है। तो 5 मिनट आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट आप झपकी ले लीजिए। क्या कर दीजिए? झपकी, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखो शुरू शुरू में है ना आपको थोड़ा सा नींद से लड़ना पड़ेगा, तो नींद से लड़ना पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा आपको अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये ऐसे करना है तभी जाकर मेरी ये व्यवस्था हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी जैसे नींद आती है तो थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं
कि सिर्फ 5 नंबर आपकी मनपसंद सब्जेक्ट को ले लीजिए। ठीक है ना, फेवरेट सब्जेक्ट वो पढ़े जिससे आपको नींद है वो थोड़ी दूर हो जाएगी, या इसके अलावा जब आपको नींद आए तो अच्छा गुड म्यूजिक सुने। क्या सुने? गुड म्यूजिक। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। और जब आपके ठीक है, अब ठीक है तब आप थोड़ी हार्ड फास्ट पढ़ाई है जो कैसे सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखें कि इन दरमियान में एक और आप ट्राई कर सकते हैं कि आप पढ़ते समय आपको नींद आ रही है तो आप थोड़ा फिजिकल यानी हैंड राइटिंग का काम करें। क्या करें? हैंड राइटिंग वर्क, यानी अगर नींद और भी आती है थोड़ी थोड़ी आती रहती है तो इस प्रकार आप अब क्या करें, अब आप जो भी याद करें या जो भी पढ़े तब लिख लिख के पढ़े, ताकि लिखने के समय में आपका है हाथ जो एक्टिव रहेगा, आपकी नजरें वहां पे फोकस रहेगी तो नींद बनी जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये जो बेस्ट है, अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आपको 2 से 4 दिन में कंटिन्यू अगर इसी फॉलो करते हैं तब आपकी नींद है वो आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं देगी। आपका जो पढ़ेगा घंटा 1 या 2 हो रहा था वो 4 घंटे हो जाएंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी कि हेल्पफुल आपके लिए, क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये छोटी सी अपडेट देनी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समय बाद रेस्ट मजे कर रहे थे और अभी पढ़ते हैं तो दिक्कत होगी, तो दिक्कत होती है तो इसके लिए समाधान ये है, ये कर लीजिए, आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कंटिन्यू। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।